मध्य प्रदेश में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान खत्म होने के बाद हरदा से भाजपा प्रत्याशी कमल पटेल ने गोलगप्पे का स्वाद चखा। अब कमल पटेल को जीत का स्वाद चखने का इंतजार है। अब वो जीत का स्वाद चख पाएंगे या नहीं, ये 3 दिसंबर को ही सामने होगा, जब ईवीएम खुलेगी और वोट की गिनती होगी। चुनावी भागदौड़ अब पूरी हो चुकी है। प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों में मतदान पूरा हो गया है। मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाते हुए भारी मतदान किया है। मतदान के बाद कमल पटेल गोलगप्पे खाने पहुंचे और जमकर पानीपुरी खाई। कमल पटेल ने गोलगप्पे का स्वाद तो चख लिया है, अब उन्हें हरदा में फिर से जीत का स्वाद चखने का इंतजार है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।